कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम भौतिक राशियों की विमाओं के विषय में जानेंगे, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशियां 7 मूल राशियों के संयोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ये 7 मूल राशियां ही इस भौतिक संसार की 7 विमाएं कहलाती हैं, जिन्हें गुरु कोष्ठक, बड़ी जो विकृत ब्रैकेट होती है, स्क्वायर कोष्ठक, गुरु कोष्ठक कहते हैं इसे, के साथ प्रदर्शित करते हैं। बड़ी ब्रैकेट में ही हमेशा विमा को दिखाते हैं। 3 ब्रैकेट होती हैं, एक छोटी ब्रैकेट, एक मझली ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। जो स्क्वायर कोष्ठक होती है इसको गुरु कोष्ठक बोलते हैं। ये 7 विमाएं निम्न प्रकार हैं। द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान को हमेशा कैपिटल एम से बड़ी ब्रैकेट में दिखाएंगे। लंबाई की विमा कैपिटल एल बड़ी ब्रैकेट में। समय की विमा टी कैपिटल बड़ी ब्रैकेट में। वैद्युत धारा की विमा ए कैपिटल। और ताप की विमा के केल्विन। और ज्योति तीव्रता की विमा सी डी, सी स्मॉल और डी वी स्मॉल और कैपिटल में। और पदार्थ की मात्रा मोल, ये भी कैपिटल में मोल लिखेंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे व्युत्पन्न राशि बल के लिए बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, अतः बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक, त्वरण का मात्रक, तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम की घात 1, मीटर की घात 1, सेकंड की घात -2, क्योंकि प्रति में है, बटे में था। इस प्रकार बल का मात्रक व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम पर 1 घात, लंबाई के मात्रक मीटर पर 1 घात तथा समय के मात्रक सेकंड पर -2 घात चढ़ाई गई है। अतः बल की द्रव्यमान में विमा +1 यानी m1, लंबाई की विमा +1 l1, समय की विमा -2 t-2 है। अतः बल की विमाएं क्या हुए, m1 l1 t-2। तो 1 संख्याएं हम लिखते नहीं है, तो लिखेंगे m l t-2 बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे, ये बल की विमा हुए हमारी। विमीय प्रस्तुतिकरण में भौतिक राशियों के परिमाणों पर विचार नहीं किया जाता, वर्ण राशियों के प्रकार की गुणता का समावेश किया जाता है। विमीय दृष्टि से विभिन्न राशियां जैसे वेग, परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, औसत वेग तथा चाल सभी समान हैं, क्योंकि सारे वेग हैं इसलिए सभी राशियां समान हैं, क्योंकि इन सभी राशियों को लंबाई बटे समय के रूप में व्यक्त किया सकता तथा सभी की विमाएं L बटा T या LT-1 है। अब विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। यदि किसी भौतिक राशि की द्रव्यमान में विमा A, लंबाई में विमा बी तथा समय में विमा सी हो, तब इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी होगा। उदाहरण के लिए देखिए, आयतन का विमीय सूत्र एम की घात 0, एल की घात 3, टी की घात 0, क्योंकि एम आयतन में एम द्रव्यमान नहीं होता, केवल लंबाई होती है। लंबाई कितनी बार, लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सब मीटर के लिए होगा, तो L की घात 3 हो गए, समय भी नहीं होता तो T की घात 0 हो गई। तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा, अभी बताया हमने m1 l1 और t-2। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त राशि समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। विमीय समीकरण को वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशि और उनकी विमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए V बल F, आयतन V है,
बल एफ है, द्रव्यमान तथा द्रव्यमान घनत्व रो की विमीय समीकरण को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखिए v इज इक्वल टू एम की घात 0, एल की घात 3 और टी की घात 0, बड़ी ब्रैकेट में एफ बल को लिखेंगे एम एल टी माइनस 2 और रो को क्या लिखेंगे एम एल टी माइनस एम एल माइनस 3 टी 0, क्योंकि इसमें समय नहीं होता। घनत्व में, घनत्व में क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन की हमने एल माइनस 3 लिखी थी, एल थ्री लिखी थी तो ऊपर जाकर एल माइनस 3 हुई, तो एम एल माइनस 3। तो आज हमने विमाओं के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, कल इसके उपयोग के बारे में भी बताएंगे। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल।